हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यापम में पीएटी और पीवीपीटी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। पीएटी जितने भी छात्र छात्रा हैं 12वीं क्लास पास आउट किए हैं, जैसे बायोलॉजी है, मैथ्स है या एग्रीकल्चर विभाग से है, तो वो सभी इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है पीटी या फिर पीवीपीटी का जो है एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है, मैं आपको एक एक स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरीके से जो है व्यापम का साइट जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके आ जाता है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप अपना जो है आईडी पासवर्ड को लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है किस तरीके से किया जाता है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता है तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना आ जाएगा। तो चलिए, मेरा यहाँ पे पहले से ही रजिस्टर्ड है तो मैं अपना लॉग इन आई डी पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया है और यहाँ पे देखिए यूअर पासवर्ड, तो मैंने जो पासवर्ड है उसको, जो मेरा पासवर्ड है उसको मैंने दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करेंगे दोस्तों, इसका जो है होम पेज इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। अगर आपका प्रोफाइल में कोई भी गड़बड़ी हुआ है तो आप जो है फिर से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसको कैंसिल करके दूसरे मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे जो है अभी अभी जितने बच्चे 12वीं क्लास को पास आउट किए हैं, चाहे वो मैथ्स हो या फिर बायोलॉजी हो या एग्रीकल्चर हो, उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे चलिए आपको क्या करना है, अप्लाई में क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जो है बायोलॉजी ग्रुप के हैं तो बायोलॉजी में आपको क्लिक करना है। अगर आपको, आप कहीं मैथ्स ग्रुप से हैं तो मैथ्स में क्लिक करना है। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं तो एग्रीकल्चर में आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप पशुपालन या मत्स्य विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए, और आपको कंपलसरी हाँ या ना में आपको क्लिक करना ही है। यहाँ पे देखिए, इसमें स्टार लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, फिर से सेकंड वाली ऑप्शन पूछा जा रहा है, पशुपालन मत्स्य पालन विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 12वीं में भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान समूह होना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप दोस्तों, अब इसमें आपको क्या करना है, हाँ कर लेना है अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो। अगर आप मैथ्स ग्रुप से हैं तो जो है पॉलिटेक्निक, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीटी जो है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर विभाग से हैं तो आप जो है, अगर आप बायोलॉजी लेकर पढ़े हैं तो आप चाहें तो पीटी का जो है दिला सकते हैं। अगर आप मैथ्स ग्रुप से हैं तो पॉलिटेक्निक का दिला सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं तो भी आप जो है पीटी का दिला सकते हैं। मैथ्स हैं तो आप वेटनरी का भी आप दिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमको इंटरफेस दिखाई देता है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो ये सभी डिटेल्स जो है आपका, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे सारा डिटेल्स आपका फिलअप कर लिया जाएगा। अगर आपका कहीं से भी कोई भी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हुआ है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी सोल्यूशन दिया हूँ, आप उस वीडियो को देख कर जो है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी करेक्शन वगैरह करना है तो। चलिए दोस्तों, फिर हम नीचे की ओर आते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सभी डिटेल्स आपका पहले से फिलअप किया हुआ है। यहाँ से आपको अपना एग्ज़ाम सिटी का चयन कर लेना है। जैसे कि मैं जो है यहाँ से अपनी जो एग्ज़ाम सिटी का चयन मैं कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम सिटी का चयन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपको सह लेखक की आवश्यकता है। मान लीजिए कहीं आप विकलांग हैं या आपके हाथ में कोई चोट वगैरह आ गया है तो आप उस स्थिति में यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या आप किसी वर्ग क्लास से संबंधित हैं। अगर मान लीजिए कि आप फ्रीडम फाइटर हैं या सैनिक हैं तो आपको हाँ में क्लिक कर लेना है, अगर नहीं है तो आपको नो में ही क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए फिर नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है घोषणा, उसको आपको पढ़ लेना है। मैं यहाँ पे आई एग्री में क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको क्या कर लेना है, ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको फिलअप कर लेना है। जैसे कैप्चा कोड दिया हुआ है दोस्तों, आपको वैसे ही फिलअप करना है, उससे डिफरेंट आपको किसी भी चीज़ को फिलअप नहीं करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद यहाँ मैं सबमिट में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक पॉपअप खुलकर आ जाता है, कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जाँच लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन
का अवसर नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ओके में क्लिक कर लेना है। ओके में जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार फिर से अपनी पूरी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने सभी डिटेल्स सही से फिलअप किया है। अब यहाँ पे देखिए, आपको कन्फर्म एंड सबमिट में क्लिक कर लेना है अगर आपका पूरी डिटेल सही है तो, अगर नहीं है तो आपको एडिट में क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक कर लेता हूं। अब जैसे ही कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड करके आ गया। अब यहां पे आपको ओके में क्लिक कर लेना है। ओके में जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका होम पेज में फिर से आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं सक्सेसफुल एप्लीकेशंस में क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हुआ है कि नहीं वो आपको यहां पे दिखाई देगा। तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये जो है प्रिंट है, आप चाहें तो इसका जो है प्रिंट भी ले सकते हैं इस तरीके से प्रिंट में क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली हो गया है पीएटी में। यहाँ पे जो है लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, देखिए फर्स्ट जो है पीएटी करके, तो इसमें जो है इनका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपको फ़ोटो रिसाइज करने नहीं आता है और फ़ोटो की बैकग्राउंड चेंज करने नहीं आता है तो वो सभी चीज़ें दिया हुआ है।